अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं आपका होस्ट अदनान शुअब और आज ब्राइट ऑल शेड्स ऑफ़ लाइफ में एक नए एपिसोड के साथ और एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर हैं आज के हमारे मेहमान हसन जमील हैं जो कि डिज़ाइनर्स कंपनी के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं आइए उनसे मिलते हैं हसन कैसे हैं आप ठीक दिया दिया है अलहमदिल्ला फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट फॉर गिविंग अस टाइम फ्रॉम योर प्रेशियस एंड बिजी चलिए आज का जो हमारा एपिसोड है वो एक ऐसे आर्किटेक्ट के बारे में जो माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन uh, में भी हैं इंजीनियरिंग में भी हैं आर्किटेक्ट भी हैं और डिज़ाइन इंटीरियर डिज़ाइन भी करते हैं तो माशा मल्टी uh, आपके पास ये uh, सब चीज़ें हैं जी बिल्कुल अलहमद ला ओके कमिंग बैक टू इट वी वुड लाइक टू स्टार्ट के जी हम लोग जानना चाहेंगे कि हाउ डिड यू स्टार्ट हाउ डू केम इन टू दिस फील्ड बेसिकली आर्किटेक्चर तो कभी भी मेरी वो उसमें आ, अगर मैं चाइल्ड हुड की बात करूँ तो उसमें नहीं था माई फादर इज़ सिविल इंजीनियर इंजीनियरिंग की किसी लाइन में जाने का शौक़ ज़रूर था एक्सीडेंटली मैं आर्किटेक्चर की तरफ आया इनफैक्ट पहले साल मैंने एन जब अप्लाई किया मेरा एडमिशन नहीं हुआ था बट उस साल मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था वो उस ड्यूरेशन में मुझे समझ आई कि नहीं आर्किटेक्चर इज़ अ फील्ड जो कि मुझे ज़्यादा सूट करती है क्योंकि वो मेरे इंजीनियरिंग वाले पैशन को भी पूरा करती है और अपना आर्ट फील्ड जो है आर्ट लाइन उसमें भी वो मुझे जो है वो लेके साथ चलेगी सो नेक्स्ट ईयर अप्लाइड फॉर आर्किटेक्चर एंड अलहमद ला गॉड एडमिटेड टू एन

अब इसमें आई एम ब्लेस्ड के आर्किटेक्चर में आने से इंजीनियरिंग का पैशन आर्ट का पैशन दोनों जो है वो फुलफिल हो रहे हैं तो mm -hmm. so, 1999। तो so, होते थे जी कि नैयर साहब फलाना वेरी यूजुअल नैर साहब थे उसमें उस टाइम उस पे फेम एसोसिएट्स थे सिंस माय स्टडीज मतलब मैं इंटर्नशिप उधर दो साल इंटर्नशिप की उसके बाद मैंने जॉब भी उधर ही कंटिन्यू की आफ्टर ग्रेजुएशन बट ओवरलैपिंग मैं साथ में कुछ फ्रीलांसिंग कर रहा था तो वो मुझे जॉब मैंने जल्दी छोड़ दी एंड आई इस्टिश माई ऑफिस इन 2004 राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन लाइक ओकेट आर द चैलेंजेज और क्या क्या दुशवारियाँ आई और क्या क्या मसले मसाइल थे नहीं सर कंटीन्यूस काइंडस्ट राइड मतलब आपको मार्केट में रहने के लिए मसलसल अपने आप को अपडेट करना होता है आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उनके साथ आपको अपने आप को लाइन करना होता है और इस मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ ट्रेड जिसमें कि मतलब आपको अगर लाइम लाइट में रहना है तो यू exactly. तो, कुछ हमेशा से ही आर्टेक्चर इज ऑलवेजर आई मीन इसमें यू आर एक्चुअली डिजाइनिंग लाइफ ऑफ पीपल आप बहुत सारी चीज़ें जो उनके आउटर वेयर्स हैं वो तो बेसिकली आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना इट्स जस्ट देयर क्लॉदिंग और फूड दैट दे कैन चूज बट एवेंचुअली जो उनके आउटर वेयर हैं वो इन योर कंट्रोल सो एक्चुअली यू आर सेट्स ट्रेंड्स इन दार्केट सो contemporary किस किस्म की लाइंस है आपकी आई वर्क मोस्टली इन फ्यूजन और मैम वेरी लकी कि मेरे पास हर तरह का काम है मतलब आई एम डूइंग अ लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री आई एम डूइंग अ लॉट्स ऑफ रेजिडेंसेस एजुकेशनल बहुत की हैं हॉस्पिटलिटी के काम बहुत किए हैं हेल्थ केयर के काम कर रहा हूँ सो इस इस लिहाज से मैं लकी हूँ कि मेरे पास तकरीबन हर लाइन है मैं वो किसी एक लाइन में नहीं फंसा हुआ कि जिसे रेजिडेंसेस कर रहा हूँ तो रेजिडेंसेस किए जा रहा हूँ इंडस्ट्री कर रहा हूँ तो इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री किए जा रहा हूँ कमर्शियल से लेके इंडस्ट्री तक मैं तकरीबन हर किस्म की लाइन प्रोजेक्ट लाइन जो है वो भी इस टाइम पे मेरे पास चल रही है जिसकी वजह से और फिर साथ कंस्ट्रक्शन साथ होने की वजह से उनकी टेक्निकल technical, टेक्निकलिटीज़ की बहुत आ, समझ बूझ आती जा रही है ओबियसली मैन इज़ ऑलवेज लर्निंग बट कंस्ट्रक्शन मेरा ख्याल है कि आपको रियल चैलेंजेस सिखाती है कि आपके डिज़ाइन पैरामीटर्स लिमिटेड नहीं है यू कैन डू एनी बट उसकी जो आपकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता हूँ अच्छा ये बताएं कि जो लाइक यू फ्रॉम एन सी ई ग्रेजुएट फ्राम एन सी और एक कॉलेज लाइफ होती है उसमें एक बच्चा पढ़ रहा होता है एन ई कम्स टू अ प्रैक्टिकल लाइफ तो कितना डिफरेंस है दोनों लाइफ के अंदर मैं समझता हूँ कि एन सी ए बींग माई मदर इंस्टीट्यूट एन सी ए ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरी जो सही लर्निंग थी वो शायद ड्यूरिंग एन सी ए ही हुई आई वॉज ऑलवेज़ वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब कॉलेज के एन सी ए में कि जो मेन एक इवेंट है दैट इज़ देयर समर वेस्ट फेस्टिवल्स एंड विंटर फेस्टिवल्स आई मीन I mean, समर काइंड वेलकम टू न्यू कमर्स एंड विंटर फेस्टिवल इज लाइक फेयरवेल टू आउटोइंग स्टूडेंट्स वो मैं तीन साल ऑर्गेनाइज करता रहा हूँ उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तो सबसे पहला जो पार्ट होता था वो होता था उसकी फ़ंड रेजिंग के उसके लिए स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए जाएं तो एन का स्पॉन्सर लेटर हाथ में पकड़ के वॉकिंग इन टू सम मल्टी नेशनल कंपनी और सम कंपनी वो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल ही बड़ा डिफरेंट होता है सो so बेसिकली उसने मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना सिखाया वो जो एक फियर होता है कि लोग क्या कैसे लो क्या कहेंगे क्या, क्या सोचेंगे गे? वो जब आपके हाथ में वो एक स्ट्रॉग इंस्टीट्यूट का एक स्पॉन्सर लेटर होता है यू एक्चुअली डायरेक्टली वॉक इन टू द एग्जैकटिव ऑफिस उससे बहुत लोगों से मिलना सीखा उसके बाद फिर जब आप प्रैक्टिकली इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो उस टाइम पे आपके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हाउ टू मैनेज हाउ टू मैनेज वन बाय वन के जी परफॉर्मेंसेज होनी है सोलह सतारह सोसाइटीज़ होती थी उस टाइम पे जिस टाइम पे हम लोग ये इवेंट करते थे उन सोलह के सोलह सतारह की स्लॉटिंग करना कि जिनको कब स्टेज देना है रिहर्सल के लिए कब उनकी परफॉर्मेंस होनी है उनकी नीड्स क्या हैं लाइटिंग क्या चाहिए उनको म्यूज़िक क्या चाहिए उनको प्रॉप्स क्या चाहिए उनकी बजट एलोकेशन फिर 1500-2000 लोगों का दो डिनर्स अरेंज करना कन्जैकेटिव ऊपर नीचे दो दिन उसने बहुत मैनेजमेंट सिखाई मेरा ख़्याल है वो मेरे सही जो मेरा एक जिससे मैं सीखा हूँ और जिससे मैंने ग्रूम किया है वो शायद वो वाले मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें मैं कॉलेज की जो स्टूडेंट बॉडी थी उसका एग्जैक्टिव था और मैं चीफ ऑर्गेनाइजर था कॉलेज इवेंट्स का सो वट डू थिंक एक आर्किटेक्ट के लिए एक अच्छा मैनेजर होना और एक अच्छा कितना कितना ज़रूरी है ये चीज़ आर्किटेक्ट भी सारी की सारी इंजीनियरिंग्स को प्लस डिज़ाइन को ले कर इकट्ठा चल रहा होता है तो वो मैनेजमेंट ही है बेसिकली डिज़ाइन इज़ वन पार्ट बाकी फिफ्टी सिक्सटी परसेंट इज ऑल मैनेजमेंट के आपने किस टाइम पे एम ई पी वालों को अलाइन करना है उसके साथ एम ई पी वालों की ड्राइंग जो है वो ओवरले होनी है जब आपकी ड्राइंग्स के ऊपर उसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजनस uh, ना आ रहे स्ट्रक्चरल इंजीनियर को ठीक है आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन इंजीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही करवाना है बट जब आप लेआउट कर रहे हैं जब आप ख़ुद से कोई बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं उस टाइम पे आपको उसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि ये स्ट्रक्चरली पॉसिबल है या नहीं है mm -hmm. तो वो इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट ओके किस तरह के क्लाइंट्स यू डील इन मतलब लोग आते हैं और सवाल करते हैं और रिक्वायरमेंट्स बताते हैं हाउ यू गो अबाउट इट इट ऑल मतलब वेरी करता है आई मीन कॉपोरेट क्लाइंट का ऑल टुगेदर जो तरीक़ार है एक उनका जो पैटर्न है या रीचेबिलिटी है उनकी बिल्कुल डिफरेंट तरह की होती है जो इंडिविजुअल क्लाइंट आ रहा है उसकी एक डिफरेंट अप्रोच होती है अगर कोई प्राइवेट कंपनी है सोल प्रोवाइडरशिप टाइप की उसमें वो थोड़ी सी वो सेठ फलासफ़ी ज़रा ज़्यादा आ जाती है सो वो से मैंने जिसने पहले बताया कि मैं हर तरह का काम कर रहा हूँ कॉपरेट कर रहा हूँ इंडस्ट्री कर रहा हूँ कमर्शियल कर रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी कर रहा हूँ तो उसमें मेरे मेरा तो ये एडवांटेज मुझे मिलता है कि मेरे पास हर तरह का क्लाइंट है अच्छा so ये बताएं मुझे कि व्हेन इट कम्स टू लाइक आर्किटेक्चर एंड मैनेजिंग और कंस्ट्रक्शन भी जो कि आप करते हैं और डिजाइन भी करें चीज़ों को व्हिच इज़ द बेस्ट पार्ट यू एंजॉय डूइंग इट हॉस्पिटैलिटी का बहुत मजा आता है हॉस्पिटैलिटी को आप बेसिकली वो एक ऐसी स्पेस डिज़ाइन कर रहे होते हो जो आप मैसेज के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हो और मैसेज के लेयर के लिए डिज़ाइन कर रहे होते like हो लाइक रेस्टोरेंट्स हो गए हॉस्पिटल्स हो गए क्लिनिक्स हो गए उसमें उसमें जो है ना वो आपको ज़रा ज़्यादा मार्जिन भी मिलता है क्योंकि उसमें कई लिमिटेशंस नहीं होती आप जितना भी इनोवेटिव होना चाहो योर क्लाइंट अलाउज़ यू टू डू दैट ओके कमिंग बैक टू इट वुड लाइक टू नो कि योर पर्सनल लाइफ लाइक हाउ मेनी किड्स यू हैव और कैसे मैनेज करते हैं किड्स आर इन कैनेडा आई हैव हर्ड बैक, तो कैसे करते हैं मैनेज फैमिली के साथ बच्चे के साथ मिलना दूर it's, है शेडल कॉक काइंड ऑफ अ थिंग लाइक आई आई बीन फ्लाइंग टू कनाडा एवरी थर्ड मंथ 12 पंद्रह दिन के लिए जाता हूँ uh -huh. बच्चों से मिलता हूँ बच्चों से मिल के वापस आ जाता हूँ सो so, वो बेसिकली तीन तरह के मोड चल रहे होते हैं एक मोड होता है कि मैं कनाडा जाने वाला हूं

ओके ओके सो व्हेन यू ट्रैवल सो मच उसके भी अपने एक्सपोजर्स हैं अपने एक्सपीरियंसेस हैं चीज़ों के एग्जैक्टली exactly. असल में मैं समझता हूँ कि ट्रैवलिंग इज़ एक्वलन टू योर रिफ्रेशर कोर्स और इज एकवलन टू योर फर्दर स्टडीज़ आई मीन जस्ट डूइंग जस्ट डूइंग स्टडीज़ इन यूनिवर्सिटी उसका मतलब है कि वो आप उसी एक कुएँ के अंदर बंद हो वो जो आपको टीचर ने पढ़ा दिया वो आपने पढ़ लिया कल आप याद रखो या ना याद रखो बिकॉज दैट्स नॉट योर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बट ट्रैवलिंग में जो चीज़ें आप एक्सपीरेंस करते हो वो बेसिकली आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है और वो आपका एक्सपोजर बहुत इंक्रीज करती है और कितना इन्फ्लुस पड़ता है काम के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब जब आपको नए से नए कंस्ट्रक्शन मटीरियल नए से नई कंस्ट्रक्शन डिटेल्स नए से नई आपको चीज़ें नजर आती हैं तो वो आप ना चाहते हुए भी वो 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 आपके लिए एक अच्छी इंस्परेशन बनती हैं और आपके काम के अंदर वो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं कमिंग बैट जैसे आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात की तो माशाल्लाह लाइक पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ लाइक ग्रोइंग डे बाय डे जिसमें आप टाइल्स देख लें पेंट्स देख लें तो बहुत सारी और चीज़ें आप पाकिस्तान में मतलब प्लांट्स लग रहे हैं फैक्ट्रीज लग रही हैं तो कितना बेनिफिशरी है एक आर्किटेक्ट के लिए कि वो लोकल मटीरियल और इम्पोर्टेड मटीरियल में कैसे डिफर करते हैं जी असल में आ, अगर आप नीच मार्केट की बात करें तो आज से कुछ अर्सा पहले तो नीच मार्केट जो हमारी जो नीच मार्केट थी वो तो सारी की सारी इम्पोटेड प्रोडक्ट के हाथ में ही थी अभी मोस्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज चेंज की हैं कुछ ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज किए हैं जिसकी वजह से बहुत सारी जो नीच प्रोडक्ट्स हैं उसकी अब लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है विच इज़ अ वेरी गुड साइन नंबर वन आपका जो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज है वो पाकिस्तान में रह रहा है नंबर टू आपके पास लोगों को इधर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं चाहे वो एक छोटे से हेल्पर की जॉब है या एक इंजीनियर की जॉब है सो थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन अच्छा कैन सी द बैक ग्राउंड ऑफ़ योर ऑफिस लाइक यू हैव बिन ट्रेवलिंग हर जगह से ही आपको शौक है कि एक सवेदियाँ लेके आने का सो वॉट्स अट्टोरी बिहड इट बस ये इसमें जो ये सारी मेरी ट्रैवल टेल्स हैं मोस्टली ठीक है हर जगह हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी एक मुल्क की है मैंने ली हुई है मतलब फॉर एग्जांपल वो मैंने इंडोनेशिया से लिया था वो जो ब्लैक तीन स्कल्पचर्स वाला है ये मैं इंडिया से लेकर आया था ठीक है ना ये हमारी कनाडा की ही एक गाड़ी थी उसकी नंबर प्लेट है वो जो जो मेरी छोटी तस्वीर लगी हुई है वो सेंट स्पीटरबर्ग की है ठीक है ये अभी रिसेंटली मैं शिकागो गया था ये शिकागो का है वो पैरिस का है ये मतलब so हाँ, वो यहाँ चीज़ें इधर आती हैं या इधर आती हैं टेबल पर आती हैं दोनों में से किसी एक जगह पर आती हैं ओके और कुकिंग का शौक है <laughs> काफ़ी ज़्यादा अभी वैसे तो मैं बहुत अरसे से बबिक्यू पार्टीज काफ़ी करता था तो करते करते मैं इतना हो गया था कि मैं कोई चालीस से पचास लोगों को लाइफ बारबिक्यू खुद करके खिला लेड तो, तो पीछे खाना उस, वाना उसके अलावा भी वो तो खैर अम यू करते थे वो तो इतना नहीं मेरा तो जो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो मेरी एक अपनी एक सोशल लाइफ है लाइफ है विच इज़ अलहमदिल्ला बहुत अच्छी है बहुत अच्छे दोस्तों के सर्कल्स हैं मेरे जिनके साथ डेली का उठना बैठना है तो वो उसमें वो चलता रहता था जिस तरह भी ये पीछे दो साल लॉकडाउन चलता रहा तो लॉकडाउन में देर वॉज़ अ बबल ऑफ फ्रेंड्स जिनके साथ हम डेली उठ बैठ रहे थे ना कोई बाहर से आने देते थे ना ख़ुद कहीं बाहर जाते थे इट पास दस बारह पंद्रह लोगों का दोस्तों का हमारा एक बबल था जो हमने बनाया हुआ था उसमें मेरी एक कढ़ाई बड़ी मशहूर हुई थी जिसका नाम ही हमने लॉकडाउन कढ़ाई रख दिया था तो वो काफ़ी चलती रही है mm -hmm. बारबेक्यू चलता है मतलब बेसिकली uh, मेरी जितनी भी कुकिंग है वो दैस मोर टू वर्ड हॉस्पिटैलिटी ओके तो खुद क्या शौक से खाते हैं सब कुछ ओके <laughs> okay. खाना uh, ही जिंदगी है खाना ही जिंदगी है वॉट आर योर ऑफिक मतलब एक आर्किटेक्ट मेरे हिसाब से 24 घंटे काम करता है 24 फोर आवर्स इज वर्किंग चाहे वो ऑफिस में ना लेकिन उसका ब्रेन काम कर रहा होता है हाउ डू यू मैनेज योर थिंग्स नहीं मैं नहीं समझता मैं समझता हूँ कि शाम के आपके दो से तीन घंटे अपने दोस्तों के साथ उसको हम लोग वर्ड यूज़ करते होते हैं हुहा हुहा टाइम होना चाहिए तो जितना स्ट्रेस वाला काम है ये कंस्ट्रक्शन प्लस आर्किटेक्चर अगर इसमें आप अपने आप को वो वाली मेंटल ब्रेक ना दें अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपने खुल के जिस तरीके से भी आप बातें करना चाहते हैं उस तरह बातें ना करें तो शायद अगले दिन आप आके अपनी सीट पर ना बैठ सकें सो दिस इज़ वाट वी बिन सिंस एज़ कि शाम जो मर्जी हो जाए दोस्तों के साथ घंटा दो घंटे हम लोग ज़रूर गुजारते हैं हंसी वेरी इजी ये कहने की बातें हैं कि जी टाइम नहीं निकल पाता ये नहीं निकल पाता वेल होनी चाहिए टाइम निकल आता है इतनी कोई बात नहीं है रादर वो टाइम निकाल के जब अगले दिन आप आके फ्रेश बैठ के अपना काम स्टार्ट करते हो और वो काम जो आपने आप पाँच घंटे छः घंटे में करना है वो एक दो घंटे में निकलता है तो वो आपके लिए मोटिवेशन बन जाता है फॉर द नेक्स्ट नाइट फॉर द नेक्स्ट नाइट तो व्हाट आई बिलीव इज कि अगर हम ये ना करें तो जिस किस्म की आप स्ट्रेसेस चल रही हैं शायद अगले दिन हम अपनी सीट पे आके बैठ के काम ना कर सकें ओके कमिंग बैक टू दैट दो दैट मटीरियल थिंग्स जिससे हमने कहा कि इंडस्ट्री जो सी है, वो लोकल इंडस्ट्री लग रही है और इम्पोर्टेड नीच खत्म हो रही है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह की है डू यू थिंक द दॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग उसमें जो लोकल प्रोडक्ट है दैट इज़ हेल्पिंग यू लॉट ऑन इट इट स्टार्टेड आई मीन पेंट इंडस्ट्री अभी आपकी तकरीबन सारी लोकल हो गई है टाइल्स में बहुत सारी नई इन्वेस्टमेंट आई है कुछ अब पहले कभी जब हम लोकल टाइल्स की तरफ देखते भी नहीं थे

जो एक्यूरेसी है या वो अभी जिस लेवल पे शायद फोरी हम उधर ना हो सकें बट अभी मोस्ट रिसेंटली जो चंद चाइनीज काउंटर पार्टनर्स के साथ जो इंडस्ट्रीज लगी हैं वो बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं मतलब आई एम वेरी होपफुल के वेरी सून विल बी मोस्ट प्रॉबली मूविंग सेवेंटी के अंदर ओके जी बिल्कुल आई ए पी में भी आई I मीन mean, कह सकते हैं कि एक्सीडेंटली मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड आया अदरवाइज मेंबर तो मैं में आई पी का बहुत पहले से था बट अभी मोस्ट रिसेंटली मुझे एक बड़ी अजीब सी डिवाइड नज़र आ रही थी बिटवीन यंग आर्किटेक्ट्स एंड अवर सीनियर आर्किटेक्ट्स और वो डिवाइड की कोई वजह भी नहीं समझ आ रही बट देर इज अ अर्ड काइंड ऑफ अ डिवाइड सो आई जस्ट वॉन्ट के मतलब इस फर्टर्निटी को एक प्लेटफार्म पर लेकर आएँ एक पेज पर लेकर आएँ सीनियर्स जो हैं वो दे आर ऑलवेज बिंग वेरी कॉपरेटिव दस एटलीस्ट ठीक है बट हमारे जो जूनियर्स जो नए ग्रेजुएट्स हैं वो कहीं पे ये सोच के बैठे हुए हैं कि देर इज़ अ गैप बिटवीन दैम एंड द सीनियर्स उस चीज़ को मैं किसी तरीके से जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको किसी तरीके से कम करूँ उनको सब इकट्ठे बैठाऊँ एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे सो आई पी इज़ बेस्ट प्लेटफार्म जहाँ पे उनको इकट्ठे किया जा सकता है कुछ और भी इश्यूज चल रहे हैं अभी आ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इवन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में भी पी के पी की उनकी एग्रेडेशन नहीं हुई हुई उसके बावजूद भी वो लोग जो हैं वो नए इंटेक्स लेते जा रहे हैं स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको पी केड पी जो है वो लाइसेंसिंग नहीं दे रहा ठीक है वो इस किस्म के मसले मसाइल चल रहे हैं तो मेरा मेन जो है वो ये है कि वो इन चीज़ों को एड्रेस करूँ किसी तरीके से कि मतलब वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनके बेचारों के पेरेंट्स के पूरी पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट उन बच्चों के ऊपर लगी हुई है वो आगे फिलहाल सफ़र ना करें वो मतलब इस चीज़ को एक यूनिवर्सिटी और एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी के दरमियान की कि किसी भी किस्म की जो यंग अभी आप बता रहे जो आर्किटेक्ट्स हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं क्या कैसा है उनके लिए एक इस फील्ड में अब के दौर में बिकॉज इन योर टाइम बैक थिंग्स वर डिफरेंट बट आज थिंग्स काफ़ी डिफरेंट हो गई असल में हमेशा से ही ऐसा लगता है कि जी शायद हमारे टाइम में सारा कुछ बहुत अच्छा था अब चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं इट इज़ ऑलवेज सेम मतलब वो कोई इसमें कोई कभी फ़र्क नहीं आता वो चीज़ें बस वो ये हैं कि फ्लोरिश होती हैं टाइम के साथ साथ अदरवाइज जो हमारा स्नयरी था वही इन बच्चों का स्नारी है लेकिन आज मैं एक यंग बच्चों की भी मैं फील करता हूँ कि वो अब उस तरीके से मेहनत करने को तैयार नहीं है दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स ठीक है लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा हैं मार्केट में कम्पटिशन भी तो बहुत ज़्यादा हो गया कंपटीशन देखिए अब इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा चीज़ों को देखना चाहिए आज के दिन में आपके पास 1200 से 1500 तकरीबन ग्रेजुएट्स पर ईयर जो है वो मार्केट में आर्किटेक्चर में आ रहे हैं कि आपकी मार्केट को इतनी ज़रूरत है कि आप गवर्नमेंट जो है वो उनको सीट एलोकेशन यूनिवर्सिटियों को देती जा रही है या वो सिर्फ कमर्शियल बेसिस के ऊपर ही हो रहा है उसका कोई क्राइटेरिया कोई समझ नहीं आ पा रहा है कि वो किस क्राइटेरिया के तहत इतनी सारी सीट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को एलोकेट कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड तो आई थिंक वॉट यू हैव राइट नाउ प्रडे तो ये तो एक डायलमा नज़र आ रहा है मुझे लॉन्ग रन के अंदर कि इतने लोग आ जाएंगे और सीट्स नहीं और उनको सर्टिफिकेशन certification... असल में असल में यही हो रहा है प्रॉब्लम भी यही हो रहा है कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं ठीक है और उतनी मार्केट में शायद अभी उतनी जान नहीं है अभी मार्केट में हमारी पाकिस्तान की मार्केट बड़ी लिमिटेड सी मार्केट है अभी पंद्रह दस पंद्रह साल पहले तो अभी लोगों ने कोई सही तरीके से इस चीज़ को समझना शुरू किया है कि इवन आपको लेकिन भी कुछ अफसर पहले, पहले किया है इसको कि हाँ जी आखिर होना जरूरी है हाँ पहले तो ठेकेदारी काम पहले ठेकेदारी काम करते थे तो यस मार्जिन इज देयर बट स्टिल वो एक थोड़ा सा फिर भी एक जो है ना वो रैशनल होना चाहिए बिटवीन नंबर ऑफ सीट्स पर ईयर वर्सेज़ व्हाट इज अवर मार्केट पोटेंशियल डोंट यू थिंक विद द नंबर ऑफ द पेस्ट ऑफ़ टाइम बहुत सारी इंस्टीट्यूशन बन गई हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं कॉलेजेस आ गए हैं विच आर ऑफरिंग कोर्सेस जो कि मैं अब देखता हूं बहुत सारी यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर कोर्स करा रही है हर यूनिवर्सिटी इंटीरियर डिज़ाइन करा रही है कोर्सेज और उसमें इतने बच्चे हैं कि वो जब निकल के बाहर आते हैं तो इतनी सीट अवेलेबल नहीं मार्केट में उसका फिर नुकसान होता है ना उसका नुकसान यही होता है कि फिर एंड ऑफ द डे इवन जो उनकी फर्म्स हैं वो भी चूज़ी हो जाती हैं इन चूजिंग कि जी किस इंस्टीट्यूट से लोग लेने हैं किस इंस्टीट्यूट से नहीं लेने जो कि नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल से अगर वही आपका ये जो सा प्रपोशन है ये ठीक तरीके से चल रहा हो तो हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले और क्वालिटी में और में काम क्वालिटी का 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 किया जा रहा है जैसे आपने कहा बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते हाँ और मेरे ख्याल से शायद अब वो वाले जो उस्ताद भी शायद इतनी मेहनत एक सिस्टम है उस्ताद मेहनत करते ही हैं ऐसी नहीं है कि उस्ताद मेहनत नहीं करते हैं उस्तादों ने ही हमें आज तक इधर पहुँचाया है अगर उस्ताद ना होते तो शायद हम कहीं भी ना पहुँच पाते बट एवेंचुअली जो एक इनपुट कैपेसिटी भी होती है ना लोगों की मुझे फील हो रहा है कि वो इनपुट कैपेसिटी लोगों की उतनी अच्छी नहीं अभी जा रही है वो दे आर बीइंग डाइवर्टेड और लेफ्ट राइट -right जो है ना वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं वो अपना मेन काम की तरफ क्योंकि मैंने कुछ इंस्टीट्यूश ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर बच्चा पढ़ा है और वो प्रैक्टिस नहीं किया और वो उसी कॉलेज में वही सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देता है ये बहुत देख रहा हूँ अब इस चीज़ को पी कोशिश कर रही है पी पी ने ये जो एग्रेडेशन की जो एक सख्त अपना टर्म प्रैक्टिस करनी शुरू की है आई होप कुछ अरसे में इसका फ़ायदा ज़रूर आएगा बट फॉर नाउ अगर पी केड पी इसको प्रैक्टिस कर रही है तो दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटीज़ इन क्राइटेरियाज़ को नहीं पूरी कर रही उनका एडमिशन uh, इनटेक भी रोक लेना चाहिए ओके सो वट्स वट्स द मैसेज यू कैन कन्वे टू द अपकमिंग आर्किटेक्ट्स जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं जैसे आपने कहा कि एक तो हार्ड वर्क हार्ड वर्क इज़ की टू एवरी थिंग आई मीन यू नीड टू कंसनट्रेट आपके करियर के जो पहले पाँच से छः साल हैं वो बेसिकली वो एक किस्म के मजदूरी के साल हैं उसमें डो नॉट रिस्पेक्ट के आप कुछ छिक्के मार लोगे और आप एकदम से कहीं पे बहुत ऊपर आके अपने आप को प्लेस कर लोगे विच नाउ आई फील के स्टूडेंट्स आर ट्राइंगट एजार्ट वर्किंग ठीक है ना बिल्कुल. और जहरी बात है आप पढ़ाई के साथ साथ जब एक्सपीरियंस गेन करते हो तो उसका बेनिफिट तो डेफिनेटली है देखें आज मुझे ग्रेजुएट हुए तकरीबन सत्रह साल हो गए सत्रह साल अठारह साल के बाद अब जाके मैं ये वाली जिस तरह आई पी वाली एक्टिविटी है या और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें जाके अब इन्वॉल्व होना शुरू हुआ हो। पहले दस साल तो कुछ समझ ही नहीं आई ना पहले दस साल तो ऐसे थे कि बस काम 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 सुबह से लेकर रात तक काम ही चल रहा था ठीक है अब जाके जब आसा आता चीज़ें इस्टबलिश होनी शुरू हुई हैं तो अब फिर आपको फ़ौरी तौर तो पर जो चीज़ आपको ख्याल करती आती है वो आती है कि आपने अपनी जो फर्टर्निटी है उसको क्या देना है वापस क्या देना है वापस ओके कमिंग बैक बैटरेट कोरोना आया बीच में इश्यूज़ आए चीज़ें रुकी बंद हुई बच्चों की पढ़ाइयाँ भी मिस हुई इस तरह से पढ़ाइयाँ नहीं हुई तो आप क्या समझते हो कि जो अब जो लोग इस तरह से पढ़ के इस दो साल में जो हुआ है जो आगे होगा उसमें क्या फ़र्क आएगा कोविड ने तो मेरे ख़्याल से एक दुनिया की शायद हर चीज़ को अफेक्ट किया है उसका अफेक्ट हमारी इस फील्ड में भी आएगा उसका अफेक्ट एक जनरली जितना मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपके स्कूल गोइंग बच्चों को फ़र्क पड़ता है बट कोविड ने तो एक किस्म का ऐसा ऐसा न्यू एरा मतलब पोस्ट कोविड जो एरा है ये ऑल टुगेदर आ, आ न्यू एरा, एरा इसमें इस इस बहुत सारी चीज़ें बहुत रीडिफाइन हो रही हैं सो mm -hmm. so, अभी विद विद टाइम चीज़ों में क्लैरिटी आएगी कि मतलब किन चीज़ों में कैसे फ़र्क आ रहा है और उनको कैसे हैंडल करना है बट डेफिनेटली फ़र्क तो आएगा ओके ना कमिंग बैक टू योर प्रैक्टिस लाइन लाइक वॉट डू यू थिंक एक कलर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं एक एक आर्किटेक्चर के लिए एक इंटीरियर के लिए एक डिज़ाइन के लिए आर्किटेक्चर इज योर आउटर वेयर और वेयर में जब भी आप किसी भी चीज़ की सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कलर से ही शुरू करते हैं फिर आप उसकी डिज़ाइन डिटेल में जाते हैं फिर आप उसकी बाकी कंफर्ट और इंटीग्रिटीज में जाते हैं तो आर्किटेक्चर जब आप इसको अपनी एक्सटर्नल कवरिंग जब आप आर्किटेक्चर को बोल रहे हो तो बेसिकली इट स्टार्ट्स ऑफ विद कलर अगर आपने कलर हारमोनी अच्छी डेवलप कर ली है उसको सूदिंग बिकॉज कलर इज़ ऑल टुगेदर अ कंप्लीट थेरेपी ठीक है ना कि मतलब आप किस किस्म के मूड में किस किस्म की स्पेस में रहना चाहते हो उसकी अपनी वो एक कलर डेफिनेशन हैं वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं और एक पीसफुल स्लीप तक जो चीज़ें हैं वो कलर्स बेस्ड जो है वो लेके जाती हैं है। ओके okay, तो हमारे जो कि माशा अब लोकल इंडस्ट्री में पेंट्स फील्ड के अंदर बहुत काम हो रहा है और लोकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग ब्रांड्स हैं जो बड़ा अच्छा अच्छा पेंट बना रहे हैं एंड दे आर कमिंग अप विद द न्यू पैलेट एज वेल पैलेट्स भी मैटर करती हैं बट पैलेट्स से ज़्यादा अभी जो नई चीज़ें जैसा इवन ये ब्राइटो ने भी एंटी फंगल पेंट बनाया है और ये अब इन चीज़ों की तरफ थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि मतलब आपकी जनसी कलर पेंट के करेक्ट्रिस्टिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप बाहर अगर कोई वेदर शील्ड कर लेते हैं वो पता चलता है कि जी दो तीन साल लास्ट करती है दो तीन साल के बाद उसको दोबारा करवाना इतना आसान काम नहीं है फॉर फॉर एनी बिल्डिंग ओनर उसमें जो उनसे करैक्ट्रिस्टिक्स ऐड करके उसकी लाइफ इन्हांस हो रही है वो चीज़ें अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं कलर पैलेट्स इज़ एन एक्सपेरिमेंटेशन वो तो सारी हमेशा से चलती आ रही है और हमेशा ही चलती रहनी है ठीक mm -hmm. है ना उसमें तो देर इज़ नो एंड टू एट बट आज से कुछ अर्सा पहले तक आपके पास दो या तीन पेंट ऑप्शन होते थे वेदर शील्ड होती थी

ओके okay, ये बताएं जैसे आप पेंट की हमने बात की टाइल इंडस्ट्री भी हमारे पास है और टाइल में लोकल इंडस्ट्री में आ, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी टाइल्स इस्टेब्लिश की इस तरह से कि वो डिज़ाइनर्स को कैटर कर सकें नहीं अब कर रहे हैं अब कर रहे हैं अभी आई मीन इफ इवन टू ने उन्होंने काफ़ी अच्छी टाइलें आगे ये टाइम्स एक चाइनीज़ पार्टनर कंपनी एक इधर फैसलाबाद में इन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है तीन चार और बड़ी फैक्ट्रियाँ आ रही हैं अब वो जो बड़ी फैक्ट्रियाँ जो जो नई फैक्ट्रियाँ आ रही हैं वो ऑबियसली आ भी नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं हैं तो उनका जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत बेहतर है ओके सर बिसाइड्स द प्रोफेशनल लाइफ यू आर डूइंग इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ है लाइफ में मतलब मेरी प्रोफेशनल लाइफ की एक टाइमिंग है उसके बाद जो है ना वो एंटरटेनमेंट ही होती है दोस्त होते हैं वारागर्दी होती है खाने पीने होते हैं और गपशप होती है ज़्यादा हम वही मतलब इसको सिर्फ हमने वो नहीं रखा हुआ कि ट्वेंटी फोर आवर जो है ना वो काम 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 ही चलता रहे हंसी मजाक काफ़ी ज़्यादा हम लोग करते हैं कोई एक दूसरे को जुते मार लेंगे कोई शुगर लगा लिया वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो खूह वाला एक सेशन होता है वो सेशन जो है ना वो आपकी सारे दिन की जो स्ट्रेस है ना उसको वॉश आउट कर देता है एंड यू आर फ्रेश अगेन फॉर द नेक्स्ट डे ओके शौक इन चीज़ों का है खाने पीने का इसके अलावा और कोई शौक नज़र नहीं आ रहा ओके <laughs> okay. दूसरा ये बताएं कि एक जहरी बात है जिस दौर में आप निकले हैं प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ और भी दो सहबाब थे जो इस प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं तो आज अगर आप उनके साथ कंपेयर करते अपने आप को तो व्हाट वर द थिंग्स विच मेड यू डिफरेंट फ्रॉम देम मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था mm -hmm. जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो बेचारे अभी भी कई लोग नौकरियाँ कर रहे हैं हम लोग जो हैं वो साथ अपने आप को थोड़ा सा दूसरी तरफ भी अपने आप को इंडल्ज किया कंस्ट्रक्शन की तरफ आए उन चीज़ों की तरफ आए आई मीन इट्स नॉट जस्ट द एजुकेशन दैट मेक्स यू परफेक्ट इट्स द अदर वेयर अराउंड एजुकेशन जो है वो आपका थर्टी या फोर्टी परसेंट रोल प्ले करती है इन योर कैरियर बिल्डिंग बाकी इज़ योर एबिलिटीज़ ख़ास तौर पर हमारी फील्ड में कि आपकी पी आर कितनी अच्छी है लोगों के साथ आप लोगों के साथ फॉर एग्जाम्पल मेरे आज भी जितने क्लाइंट हैं मैं अपने पुराने क्लाइंट्स भी देखूँ तो इवन दे आर आज वो उनका शायद वो जो क्लाइंट वाला इमेज था वो बिल्कुल ओवर हो गया है एंड आर माई फ्रेंड्स और रादर फैमिली फ्रेंड्स सो अभी जो मेरा करंट फैमिली जो मेरा फ्रेंड सर्कल है इट्स मोस्टली माई क्लाइंट्स जो कभी किसी ज़माने में क्लाइंट थे आज दोस्त हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम भी आती है कभी कोई अगर दोस्त ज़्यादा क्लाइंट बना ले तो कई बार मुफ्त काम करना पड़ता है बट फर्क नहीं पड़ता इट्स मोर ऑफ योर सोल सेटिस अच्छा जब कस्टम क्लाइंट्स आते हैं फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल के लिए क्लाइंट्स आए हैं और जी जो हमने घर बनाना है तो आजकल एक बड़ा मज़ेदार सीन है कि जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा जो है ना वो घर तंग करते हैं वो घर में मियाँ साहब की लदा रिक्वायरमेंट है बीवी की लदा रिक्वायरमेंट है बच्चे की लदा रिक्वायरमेंट है बच्चे की खाला की लदा रिक्वायरमेंट है वो भी एक लदा इनपुट आ रहा होता है कि जी वो मेरे भाई ने तो मुझे ये कहा था मेरी वो वेन आई यूज़ टू वर्क एट रईस फैम तो रईस साहब कहते होते थे कि अगर क्लाइंट इधर तुम्हारे साथ सारा कुछ एग्री करके जाए और एक घंटे बाद घर से कॉल आए ना कि नहीं यार ये तो आपने प्लान ही सारा गलत कर दिया था तो इसका मतलब है वो घर से बहुत भारी है mm -hmm. <laughs> तो वो वाली चीज़ें जो है वो रेजिडेंसेस में बहुत अंक है हाउ यू कोप एट हाउ यू कोप सबर सुकून से बस सुनते रहो बात करनी वो है जो अपनी मर्जी है येस उनकी जो फीडबैक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट एंड ऑफ द डे अगेन it's your बेबी ठीक है आपने अपने बेबी को क्योंकि कल आपका प्रोजेक्ट अगर अच्छा वो आउटपुट देता है तो वो आपका कहलाएगा अगर वो बुरा आउटपुट देता है तो वो आपका क्लाइंट भी जो है ना वो भी बड़े आराम से कह देगा जी मारा आकर अच्छा नहीं था उसने नहीं। ये कर दिया जिस वजह से ये अच्छा आउटपुट नहीं आ पाया सो बेसिकली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर जब तक आप अपने प्रोजेक्ट्स को अपना बेबी नहीं समझोगे तब तक जो है ना आप उसको ग्रूम नहीं कर सकोगे तब तक आप उसको फ्लॉश नहीं कर सकोगे उसको एक अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकोगे अच्छा एक एक साइकी है कि मैं इसको देखता हूँ कि एज ए क्लाइंट जब आपको एक आर्किटेक्ट हायर करता है क्लाइंट तो उसके प्रसप्शन में क्या है कि मैं अब आर्किटेक्ट ने मेरे लिए क्या क्या करना है पाकिस्तान में तो उसके ख्याल में ये है कि वो मैं ए, एक ईंट लगाने लगूंगा तो वहाँ पर आर्किटेक्ट सर पर खड़ा होगा ठीक है बट ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए आपकी ड्राॅइंग्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपकी डिटेल्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो आपकी लैंग्वेज स्पीक कर रही हूँ और वो आपके पूरा जो मैसेज है वो कम्युनिकेट कर रही हूँ बेसिकली क्लाइंट जब आपके पास आता है तो उसने कैसा घर बनाना है क्या बनाना है वो बिल्कुल उसका अपनी माइंड में उसका स्केच समहाउ क्लियर होता है सिर्फ उसको वो निकाल के पेपर पे डिफाइन नहीं करना आता होता कि वो पेपर पे किस तरह उसको लेकर आए उसकी इंजीनियरिंग कैसे करे सो बीइंग एन आर्किटेक्ट आपने उसकी वो वाली सारी अप्रोच समझनी है उसको आपने पेपर के ऊपर ट्रांसलेट करना है और फिर उसकी इंजीनियरिंग करके उसको फिज़िकली साइट पे खड़ा करना है ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आप समझते हो दैट इट वाज योर बेबी एंड एंटरटेन योर बेबी और वो बड़ा अच्छा निकला हो बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मार्जन आज तक काम करने का दिया है वो शायद कॉपोरेट क्लाइंट्स ने दिया है उसमें फौजी फर्टिलाइज़र का मैं काफ़ी काम करता हूँ रादर उनके दोनों प्लांट्स पे शायद इज़ मैन एजेस आई एम द ओनली वन जो कि काम करूँ कुछ बीच में लोग आए बट शायद उनको इतना मज़ा नहीं आया जितना वो मेरे साथ कंफर्टेबल चल रहे थे तो सिंस 2006 थाउजेंड सिक्स आई एम वर्किंग विद दैम और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने उनका एक टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज किया इट वॉज़ एजुकेशनल कम साथ उसके एक ऑडिटोरियम था जो कि मल्टी फंक्शनल था जिसमें सिनेमा भी बनना था जिसमें परफॉर्मेंस स्टेज भी बनना था वो बहुत मज़े का प्रोजेक्ट था और उसमें फिर मार्जिन भी बहुत अच्छा था काम करने का कि आपके पास मटेरियल्स को एक्सप्लोर करो चीज़ों को मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों का हम उनकी लिमिटेशंस पे लेके गए वो काफ़ी मजा आया था वो करने का सो इट वाज एजुकेशनल बिल्डिंग इट वाज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसज एंड अ मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम उसमें ये तीन चार चीज़ों का एक ऐसा कम्बिनेशन था कि उन चीज़ों को आपने एक दूसरे से लहदा भी रखना था और उन सब चीज़ों ने एक दूसरे को सपोर्ट भी करना था सो so, वो एज अउट बड़ा चैलेंजिंग था और एज अ बिल्डिंग या एज अ फ्लेक्सीबिलिटी उसमें बहुत अच्छा मार्जिन था काम करने का सो एक्चुअली आई एक्चुअली इंजॉयड दैट प्रोजेक्ट सो यू आर इन टू कंस्ट्रक्शन थिंग्स में तो कंस्ट्रक्शन का जब अपने हाथ में ही हो ट के तो कितनी आसानी है उसके लिए उसमें फिर आपके दोनों साइड पे मार्जन्स कम हो जाते हैं <laughs> फिर आपको जो है ना वही वाली बात है कि आप बेसिकली उसमें फिर आपका ये होता है कि बहुत अच्छा आउटपुट को आप देख रहे होते हो कि आउटपुट कितना अच्छा आप ले सकते हो तो उसमें आप डेफ़िनेटली थोड़ा इजी हो जाता है आपको इनडायरेक्टली चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करनी पड़ती कोई दूसरी लिमिटेशंस आपको तंग नहीं करती आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑल योर बजट ऑल योर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेके चलना चाहो ठीक है अच्छा ये बताएं कि जिस तरह भी अपने कंस्ट्रक्शन भी है फलाना भी तो यू हैव लाइक अंडर वन हाउस योर डूंग एवरी थिंग तो आपके पास प्रोजेक्ट्स जो आते हैं वो टर्न की आते हैं कि वो सेग्रीगेट होते हैं जी कि आपने सिर्फ आर्किटेक्चर करना है मेरे पास अपना ठेकेदार है या अपना कंस्ट्रक्शन टीम है इट्स वेरी मिक्स मतलब मैं आप समझता हूँ कि मैं को 30 परसेंट फोटी परसेंट प्रोजेक्ट्स 30 परसेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो टर्न की कर रहा होता था बाकी मेरे पर डिज़ाइन चल रहे होते हैं सो so, आज भी आई लव टू बी कॉल्ड एज एन आर्किटेक्ट और डिज़ाइन चैलेंजेस क्या होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे अक्सर हम मुझे भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि डिज़ाइन मैंने किया है और उसको एग्जीक्यूट क्लाइंट की टीम कर रही है बट दे आर नॉट उनको ड्राइंग्स पढ़नी भी नहीं आ रही से डिटेल्स की और उनको फिर जा जा कर आपने उनके साथ फिर खपना पड़ता है थोड़ा सा हो जाता है फिर भी गुजारा असल में आपकी आपकी ड्रॉइंग्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए अगर आपकी ड्रॉइंग्स डिटेल में बनी हुई हैं आपकी ड्रॉइंग्स वो लैंग्वेज जो आपकी इंडिजनस कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है वो पिकअप कर रही है तो आपको सिर्फ उन, उनको समझाना है अगर आपकी ड्रॉइंग्स वीक हैं इधर तो आपके बाजात आपको ऐसा भी होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर्स इतने इतने सहने मिलते हैं कि वो आपको पढ़ने डाल देते हैं ठीक है ना तो उस सारे स्नारी में आपकी अपनी नॉलेज ऑन कंस्ट्रक्शन वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मुझे ज़्यादा इसमें डिज़ाइन लैंग्वेज uh, की ट्रांसलेशन uh, में ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम कभी आता नहीं है उसकी वजह यह है कि सिंस आई सेल्फ एम डूइंग कंस्ट्रक्शन तो आप कुछ साइड पे भी होती हो हाँ, और कंस्ट्रक्शन भी मैं uh, बड़ी हार्डकोर किस्म की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मेरे पास uh, काफ़ी सारा टूल प्लांट अपना है मेरे पास लेबर अपनी डिप्लाई हम लोग करते हैं तो वो उस लेवल पर उनके साथ कम्युनिकेट करना उनके साथ बातें करना, बाते करना उनके मसले मसाइल समझना वो एक एक ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि मुझे बाकी मेरी डिज़ाइन साइट्स के ऊपर भी बड़ा ईज आउट करती है ओके तो जो हमारे कल्चर में इसका आर्किटेक्चर हो रहा है वट हाउ यू नेम इट वो क्या है मतंजन मिक्स हैिश हाउस जिनको ये लोग कहते हैं मैं स्पेन फेरा मुझे तो अभी तक वो एक भी घर नहीं नजर आया स्पेन में जिसको ये स्पेनिश घर कह के बेच रहे हैं कंटेम्प्रेरी mm -hmm. जिसको ये कहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें डाल के उसको वो कंटेम्प्रेरी का नाम दे देते हैं ये दिस इज अ डेलमा जो कि शायद टाइम के साथ ठीक हो और मेरे ख्याल से ये डेलोमा क्लाइंट की तरफ से भी है बिकॉज इतना एक्सपोजर हो गया हुआ है मार्केट के अंदर थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू सर्टन आपसी सब पे इंटरस्ट उदाहर है कि लोग एक यहाँ से पकड़ते हैं कि क्लाइंट का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यह है ना कि क्लाइंट जो है ना वो पेन पेन इंटरस्ट से ना वो पैंतीस थीम ले आता है और वो कहता है कि इस पैंतीस थीम को मेरे एक कनाल के पांच बैठ के घर के अंदर मिक्स कर दो किसी तरीके से तो वो इसलिए वो एक बड़ा गंदा सा एक मतंजर उसमें से आउटपुट आता है तो जब आप क्लाइंट को इन्फोर्स करते है आर्किटेक्ट जी ये आप गलत कर रहे हैं चूँकि मैंने देखा कभी कभी आपका क्लाइंट भी फ्रेंड होता है जी कि मेरी ये हर चीज़ को ये गलत कह रहे हैं ये एक्चुअली आप ये, ये आपकी ये आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ है ठीक mm -hmm. है ना आप अगर थोड़े से आप विद सॉलिड ग्राउंड अगर आप उसको कंडेम कर लो या आप उसको समझा लो तो मेरे ख्याल से क्लाइंट समझ जाता है नहीं तो क्लाइंट को डरा दो कि तेरा घर ख़राब हो जाएगा भाई एक एक क्लाइंट के लिए क्या एडवाइस करते हैं कि जब वो घर बनाए तो किन चीज़ों का ख्याल रखें और किन चीज़ों पे स्ट्रेट रहे मैंने आज तक जितने घर किए हैं और जिनको मैं अच्छा घर कहता हूँ वो वो सारे घर हैं जहाँ पे मुझे क्लाइंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है जहाँ पे क्लाइंट ने बहुत ज्यादा चीज़ें इन्फोर्स नहीं की एक स्टेज होती है उसके बाद ना आप भी कहते हो कि ठीक है चलने दो उसको चलने दो फिर मामा तू करना कर ला। मैं लाइड से <laughs> तो वो वाले जो है ना वो हमेशा अच्छा आउटपुट निकला है वहाँ से जहाँ पे क्लाइंट ने छोड़ा होता है अच्छा इंटीरियर को भी देख रहे होते हैं आप साथ में फिनिशिंग नॉट फर्निशिंग सॉफ्ट फिनिशिंग हार्ड हार्डिंग उसके अंदर आपकी टाइलिंग है, 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 है आपका वुड वर्क है उसमें फर्निशिंग में, में into. मेरा ख्याल है कि इंटीरियर डिजाइनर का जॉब है वो इंटीरियर डिजाइनर को ही करना करना चाहिए अच्छा ये भी एक बड़ी अच्छी बात लगी दैट यू आर क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड यू आर जस्ट डूइंग वॉट इज योर डोमेन जैसे अभी आपने कहा कि इंटीरियर इज सेपरेट थिंग और कह लें कंस्ट्रक्शन मैंने inherit की है आर्किटेक्चर मैंने पढ़ा है तो ये जो ये दो काम कर रहा। ये जो एक एक है, एक है दोनों का थिंक है जिन लोगों के पास ये फार्मूला नहीं है आ, वो कुछ लैक करते होंगे साथ, हाँ, हाँ। तो तो हो साथ आ जाए तो उसका जो कॉम्बो है मेरे ख्याल से बिल्कुल और जिन लोगों के पास सिर्फ आर्किटेक्चर है या सिर्फ सिविल है तो वो लैक करते होंगे वो तमाम चीजें देखिए खाली डिजाइन करके कई लोग जो है ना वो बाद में खाली हाथ लेके बैठे होते हैं कि अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उनको वो लिमिटेशन ही नहीं पता होती ठीक है ना अच्छा डिज़ाइन वो है जो एग्जीक्यूटेबल हो अगर अच्छा डिज़ाइन एग्जी नहीं है तो वो जितना भी अच्छा हो उसका फ़ायदा कोई नहीं ना वो किसी ना किसी बुक्स में रह जाएगा ओके ओके हसन इन द एंड आई वुड लाइक टू आस्क के हमारी जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी इसको यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में आएगी और आगे काम करेंगी वॉट इज़ वॉट इज़ वन मैसेज वीच कम्युनिकेट विद दैम बताना चाहते हैं उनको और मेहनत करें फ़ौर ये ड्रीम ना करें कि दे बी देयर ओन ऑफिस और फ़ौर ही वो एक कंपनी के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बन के बैठ जाएंगे बहुत सारी चीज़ें जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट के साथ सीखनी होती हैं प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ सीखनी होती है वो किसी और के एक्सपेंस पे सीख लें तो बेहतर है कि आप अपनी कंसल्टेंसी में बैठ के अपने एक्सपेंस पे सीखें और एक मैसेज क्लाइंट्स के लिए कि जब क्लाइंट हायर करते हैं आर्किटेक्ट तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आर्किटेक्ट जी करो तो मेहरबान ओके व्यूअर्स इसके साथ ही हमें इजाजत दें दोबारा अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे अल्लाह फाइव ईयर डिग्री प्रोग्राम अच्छा वो बड़ा मज़े का एक सीन होता था कि क्लास में इस तरह डिजाइनर भी थे के बाबे भी बैठे हुए हैं और हम भी यंगस्टर थे तो वो एक अजीब कुलाज बना बना होता था कि अगर टीचर डांट रहे तो उनको भी उसी तरह डांट पड़ती थी वो बड़ा अच्छा वक्त था फिर ज्यादा वक्त का दौर आया वहाँ पे बकायदा आके हमें ये बताया गया कि जी दो फिट के फासले पर बैठ तो हम लोगों ने स्टिक्स रखी होती थी, थी दो दो फिट <laughs> वो बकायदा नाप के हम बैठते थे, थे कि कहीं पे आर्मी के लोग या इंटेलिजेंस के लोग ना आ जाएं।